विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सब जने के प्रणाम करते और फटाफट नजर आ रही थे क्षेत्र के प्रमुख खबर में। सीधी में बैल का बचावे के चक्कर में भा सड़क हादसा, महिला के सिर में लगी गंभीर चोट। अमिलिया थाना के ग्राम चमरौहा के घटना, आवारा पशुअन की वजह से एक महीना में हो चुकी है 8 सड़क दुर्घटना। सीधी में युवा कांग्रेस सौंपिन ज्ञापन, कम बारिश की वजह से मझौली का सूखा ग्रस्त करे के घोषित करे के करीन मांग। बड़े वाहनन की आवाजाही से ग्रामीण परेशान, सौंपिन ज्ञापन। सीधी में राज्य शिक्षक संघ सौंपिन ज्ञापन, जिला अध्यक्ष कहीं सेवानिवृत्ति के बाद मिल रही है महज 1500 रुपया। सेवानिवृत्ति के कर्मचारियों के शिक्षकन के बुढ़ापा के सहारा रही पुरान पेंशन लागू करे के मांग के साथ रैली और धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम सौंपिन ज्ञापन। कोशी परिक्रमा में निकले मैहर के विधायक, भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी चित्रकूट माँ भगवान कामतानाथ के दर्शन करके रवाना भे, समर्थकन के साथ सीधा पहाड़ में घलाय पहुंची। शेगरौली में 2 नगर परिषद सरई और बरगवा में 30 वार्डन में 30 मतदान केंद्रन में भा मतदान, वार्ड 13 मतदान केंद्र में सौहे आई विवाद के घटना। फर्जी वोट दिवावे के मामले में ही बीजेपी और निर्दलीय समर्थक अपसय में भिड़े। रीवा पुलिस प्रशासन के चिन्हित मेडिकल स्टोरन में नशीली कप सिरप के चेकिंग अभियान जारी। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशन में एसडीएम तहसीलदार बीएमओ और थाना प्रभारी के मौजूदगी में हो रही है जांच। नशीली कप सिरप बेचे के शिकायतिन से जुड़ी दुकान बन रही है जांच के टारगेट। सतना में एक दर की पुण्य के मिली नकली करेंसी, पुरान बदमाशन से जुड़ रहे हैं आरोपिन के तार। 200 रुपया के 1270 यानी 25,400 रुपया के नकली करेंसी जब्त, कैयक नोट एक नंबर के मिले। सतना जिला के ग्राम पंचायत डागा गुलवार के रहे वाला धीरज तिवारी बतावा जात है सरगना। रीवा के नवीन अनुसूचित जाति सीनियर छात्रावास बोदाबाग के छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक से लेके प्यून तक स्तर के कर्मचारियों के द्वारा गलत व्यवहार के लगाई आरोप। रीवा कलेक्टर कार्यालय पहुंच के लगाई सुरक्षा के गुहार। शहडोल माँ नगर पालिका बुढ़ार और जयसिंह नगर, नगर परिषद अनूपपुर जिला में नगर पालिका कुतमा बिजरू, बरगवा नगर परिषद और उमरिया में नगर पालिका खातिर मतदान किए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान तो शाम के 5 बजे तक चला। लोगन में दिखा खासा उत्साह। ललितपुर सिंगरौली के बीच बने वाली नई रेल लाइन के काम हो रहा है प्रभावित। कई एक स्टेशन में पिछले कई एक दिनों से काम बंद तो कई एक जगह में मजदूर नहीं हो दे रहे हैं काम। रेलवे के नौकरी न मिले के कारण उम्मीदवारन के नाराजगी। पश्चिम मध्य रेलवे नई लाइन बिछाए के खातिर हजारन किसानन के जमीन के अधिग्रहण करे के बाद परिवार के एक सदस्य के नौकरी दे के दिए रही वादा पर अब पश्चिम मध्य रेलवे उम्मीदवारन का नौकरी दे से करें मना। फिर हाजिर हो क्षेत्र के प्रमुख खबरन के लेके दे इजाजत। रखिए आपन और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम।